अमानवीय कृत्य जितने भी देश में चल रहे हैं वो निश्चित रूप से सबसे बड़ी चैलेंजिंग स्थिति है। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ कुछ पिछड़ने का एक मूल कारण यह भी रहा कि यहाँ नक्सलाइट एरिया रहा, और अभी वर्तमान में कुछ चीज़ें सुधार हो रही हैं, जिला मुख्यालय तक हम लोग पहुँच पा रहे हैं, जिला मुख्यालय के आसपास भी पहुँच पा रहे हैं, गाँव में नहीं जा रहे हैं, वहाँ के कुछ लोग ऐसे कार्य कर रहे हैं। नक्सलवाद से ज़्यादा खतरनाक है धर्मांतर, ये भी खतरनाक है पर ये और ज़्यादा खतरनाक है। नक्सलवाद में तो वो एक व्यक्ति विशेष को टारगेट करते थे, ये तो पूरे समाज को टारगेट कर रहे हैं, ये तो पूरे भारत को खोखला कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ को खोखला करना मतलब भारत को खोखला करना। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, प्रेम की भूमि है, शिबरी नारायण माँ शिबरी की भूमि है, माँ कौशल्या की भूमि है, जतमई घटारानी की भूमि है, दंतेश्वरी माता की भूमि है, बमलेश्वरी माता की भूमि है, पाड़ावारी भुवनेश्वरी की भूमि है। ऐसी भूमि पर अगर ये धर्मांतरण हो रहा है ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इससे बचने का सर्वोत्तम उपाय यही है कि हमको अपनी प्राचीन पद्धति शिक्षा पद्धति को पकड़ना पड़ेगा। मिशनरियों के स्कूलों में अगर बच्चे जाएंगे तो निश्चित रूप से उनका ब्रेन ब्रॉश होगा। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसके बल पर हमारी जो अभी तक की लड़ाई है, हमने पूरे भारत में सभी प्रदेशों में लगभग कार्य सेवा की, पूरे प्रदेशों में जाते, अन्य देशों में भी गए, कई देशों में हमने अपनी बात बहुत मजबूती के साथ रखी, लंदन की संसद में भी बात रखी, फिजी के उप प्रधानमंत्री के सामने भी अपनी बात रखी, वो भी कथा में आए, बहुत से देशों में, दुबई जैसे शहर जो इस्लामिक देश है उस देश में भी अपनी हिंदुत्व की हमने बात रखी। हमें पूरी दुनिया में जहां जहां हम गए, हमें कभी चैलेंज हुए, विरोध हुआ, कुछ चीजें टास्क हुई, कई FIR की नौबतें आई, पर हमारी विजय हमेशा इसलिए हुई क्योंकि हमने कोई भी बात बिना तथ्य फैक्ट की नहीं बोली, हमें तथ्य मिला हमने रखा। तो शिक्षा पर अगर जोर दिया जाए, वो भी गुरुकुलम पद्धति पर जोर दिया जाए, तो धर्मांतरण बचेगा, हिंदू एकता के लिए सबसे बड़ा रोड़ा है। यहाँ के कुछ हमारे भारत के वो प्राण जिन्हें प्राण कहा जाए, आदिवासी रहते हैं और वन में रहने वाले वो सभी लोग रहते हैं जो प्रभु श्री राम के साथ रहे, वनांचली, वनवासी, आदिवासी, बहुत से उनमें संबोधन होते हैं, वो लोग भोले भाले होते हैं, सीधे साधे होते हैं, उनको छोटी सी लालच देकर के धर्मांतरण कर लेते हैं। सही सर्वोत्तम उपाय यही है कि धर्म गुरुओं को इनके पास जाना चाहिए। सर, बस्तर जो है काफी नक्सल प्रभावित इलाका है, लेकिन जहाँ आदिवासी अंचल है, कई ऐसे इलाके में मिशनरी जो है घुसते जा रहे हैं, सब सर्वाधिक जो है धर्मांतरण के मामले बस्तर से ही है, क्या बस्तर में आपके लिए कुछ अलग प्रयास किए? हम आगामी समय में, आज हमने चर्चा की है, दो चार प्रमुख जो प्रियजन है हमारे उनके साथ बैठ के कथा करेंगे, कुछ कुछ जो हमसे जुड़े हुए आचार्य पुरोहित और जो कथा में जिनकी स्पीच बहुत अच्छी है उन आचार्यों से भी हमने चर्चा की है कि इस क्षेत्र में कुछ कुछ कथाओं का आयोजन, संवाद का आयोजन, उन लोगों को कैसे भी करके हमसे जोड़ा जाए। एक कांकेर क्षेत्र में कथा कर देंगे, एक जसपुर में हमारा विचार बहुत ज़्यादा है, जसपुर में एशिया की सबसे बड़ी चर्च भी है, तो वहाँ हमारा बहुत ज़्यादा विचार है कथा का, और उसके यहाँ के प्रमुख लोगों से हमारी बात, उन्होंने भी प्रार्थना की कि हमारे यहाँ आप कथा कीजिए, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री शायद उसी उनका होम डिस्ट्रिक्ट है, तो उन्होंने भी एक बार चर्चा हमसे की थी, हमने उनको कहा था कि हम करेंगे, अभी हम पदयात्रा के समय में व्यस्त हैं, आगामी समय में हम जल्दी ही जसपुर में कथा करेंगे। सर, आपने कहा है आज की जो हिंदू है वो अलग है, इनको जोड़ने के लिए जो है आप यात्रा करेंगे, तो किस तरह की ऐसी? देखिए, हम परेशान और हिंदू इसलिए खतरे में है क्योंकि हिंदू एक नहीं, मुसलमान एक है, ईसाई एक, हिंदू एक नहीं, हिंदू सिर्फ नाम का एक, हिंदू हिंदू के साथ खड़ा नहीं है, हिंदू हिंदू के बिजनेस को बढ़ावा नहीं देता है, हिंदू हिंदुत्व के प्रति जागरूक नहीं है, हिंदुओं के पास अपनी खुद की शिक्षा नहीं, ना गीता का ज्ञान, ना रामायण का ज्ञान, ना उपनिषदों का ज्ञान, ना वेदों का ज्ञान, उनके पास बाइबल का ज्ञान है, मुसलमानों के पास कुरान का ज्ञान है, हिंदुओं के पास गीता का ज्ञान नहीं है। मुसलमानों में भी जातियां हैं, अंसारी, शिया, सुन्नी, एक दूसरे की मस्जिद में नहीं जा सकते हैं वरना कटना मरना हो जाएगा, लेकिन उनके मजहब पर जब भी कोई बात उठती है तो वो सिर्फ मुसलमान बनते हैं। हम लोगों में ये बड़ी दुर्गति है, अगर किसी की घर की बहन बेटी के ऊपर अत्याचार भी हो जाए तो वो कहते हैं वो तो पंडित जी के साथ हुआ है, या ठाकुर के साथ हुआ, या वैश्य के साथ हुआ, या सेवक के साथ हुआ है, हम लोग हिंदू नहीं। इस बात को बहुत बारीकी से देखें तो ये सबसे बड़ा जहर है इस देश को तोड़ने, इसलिए हमने एक प्रण लिया कि जात पात और